हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईफोन 15 से संबंधित, क्योंकि आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि चारों मॉडल आपको लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें कि आईफोन 15 है, 15 प्लस है, 15 प्रो है और 15 प्रो मैक्स है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 15 और 15 प्लस की। तो इसमें आपको जैसा कि पता है, पिछले आईफोन की तरह ही नॉर्मल वर्जन में यानी 15 में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, वहीं प्लस मॉडल में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें कि दोनों का रिफ्रेश रेट आपको 60 हर्ट्ज पे होगा। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो जो कि एप्पल की तरफ से पिछले आईफोन में भी मिले थे, आपको सिरेमिक शील्ड की मिल जाती है प्रोटेक्शन, ताकि नॉर्मली कहीं से गिरने पर कम ऊंचाई से आपको आईफोन के डिस्प्ले पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब लुक्स वाइज बात किया जाए तो पिछले साल के आईफोन 14 और 14 प्लस की तरह इसमें भी लुक्स वाइज कोई चेंजेज नहीं है, सेम डिजाइन है। बाकी कॉर्नर पिछले साल के फोन में थोड़ा चुभते थे, तो उस कॉर्नर को हल्का सा कर्व कर दिया गया है, जो कि देखने में खूबसूरत लगता है और जो कि आपको होल्ड करने में आरामदायक होंगे। बाकी आपको सेम पिछले साल की डिजाइन की तरह ही आपको बैक साइड में दो कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं कि चेंजेस की, जो कि पिछले आईफोन की तुलना में चेंजेस है, तो दो तीन चेंजेस हैं, जिसमें कि पहला आपको डायनेमिक आइलैंड। पिछले साल क्या था कि डायनेमिक आइलैंड सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में मिले थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, आपको आप इस बार 15 और 15 प्लस में भी मिल जाएंगे, बाकी प्रो और प्रो मैक्स में तो मिलेंगे ही। अब बात कर लेते हैं चार्जर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स निकल के आ रहे थे कि आपको आईफोन में इस बार के सब में टाइप सी मिलेंगे, तो वो बात सच है, आपको इस बार चारों आईफोन में टाइप सी चार्जर मिलेंगे। अगली बात किया जाए तो जो कि सैटेलाइट कॉलिंग सुविधा होती थी, पहले क्या था कि सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में दिया गया था, इस बार आपको चारों आईफोन में मिल। अब बात कर लेते हैं साइड बटन की। साइड बटन में पहले आईफोन यूजर को पता होगा, वहां पे एक बटन आता था जिससे कि आप फोन को साइलेंट या जनरल कर सकते थे, तो अब क्या है उस बटन को हल्का सा चेंज कर दिया गया है। अब क्या है उस बटन में आप सेटिंग में जाकर कई सारे फीचर्स को सेट कर सकते हैं, उस बटन को आप टच करके जो भी आप फीचर्स यूज करना चाहें उसको आप सेटिंग से कर सकते हैं, जैसे कैमरा ओपन करना या कुछ भी म्यूजिक व्यूजिक कुछ भी इसमें आप जाके सेट कर सकते हैं, तो उस बटन से वो फंक्शन काम करने लगेगा। बाकी इस बार आप 15 और 15 प्लस में भी आप 4K वीडियो शूट कर पाएंगे। और अगर चिपसेट की बात कर ली जाए तो इसमें आपको सबसे लेटेस्ट A17 चिपसेट नहीं मिलेगा, आपको पिछले साल वाला ही A16 चिपसेट मिलेगा आपको 15 और 15 प्लस में। अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो आपका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है 15 और 15 प्लस का, वो 128 GB का है। तो अगर आप 15 लेते हैं तो इंडिया में आपको वो पड़ेगा लगभग 80,000 का, और आप 15 प्लस लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 90,000 का। अब प्रो और प्रो मैक्स की बात कर लेते हैं तो उसमें आपको प्रो वर्जन में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है और प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। लेकिन इसमें यह खासियत है, नॉर्मल 15 और 15 प्लस की तुलना में प्रो प्रो मैक्स में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा डिस्प्ले में। वहीं डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात किया जाए तो वो 2000 निट्स तक बढ़ा दी गई है, वो 2000 निट्स हो चुकी है। और इसमें आपको प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में आपको टाइटेनियम का फ्रेम मिलेगा, जो कि काफ़ी हल्का होता है और लुक्स वाइज भी देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी नॉर्मल में जब साइड बटन का फंक्शन मिल चुका है तो आपको प्रो प्रो मैक्स में भी वो फंक्शन मिलेगा, आप भी उस बटन से कुछ भी सेट करके उसको यूज कर सकते हैं। और कैमरे की बात किया जाए और डिजाइन का, तो लुक्स वाइज डिजाइन वाइज कैमरा वाइज भी सब कुछ सेम है पिछले साल की तरह ही, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का तीन कैमरे मिल जाते हैं। हाँ, इस बार इसमें बढ़ा के थोड़ा ये कर दिया गया है कि पहले क्या था कि 3x जूम था, अब उसको आप 5x जूम तक कर सकते हैं। अब इसमें चिपसेट की बात कर लिया तो इसमें आपको प्रो और प्रो मैक्स में आपको सबसे लेटेस्ट चिपसेट मिलेगा, A17 चिपसेट मिलेगा, जो कि पिछले साल की तुलना में जो कि A16 है उससे लगभग 20 से 30% ज़्यादा फास्ट काम करेगा। अब सबसे मेन पार्ट की बात कर लेते हैं प्राइस का, तो प्रो और प्रो मैक्स का जो बेस वर्जन स्टार्ट होता है वो 256 GB से स्टार्ट होता है। तो अगर प्रो की बात कर लिया जाए तो वो इंडिया में आपको पड़ेगा 1,35,000 का लगभग, और प्रो मैक्स की बात कर लिया जाए तो वो आपको पड़ेगा 1,60,000 का। तो अगर मेरी राय मानेंगे तो आप अगर प्रो और प्रो मैक्स वर्जन में जाते हैं तो वो तो भाई बहुत पैसे वालों के लिए होता है, 1 लाख से ऊपर प्राइस है, तो उसके लिए मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई भी आप अगर 15 या 15 प्लस लेना चाहते हैं तो मेरी यही राय है कि अगर आपको डायनेमिक आइलैंड और टाइप सी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप 15 मत लीजिएगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। दीपावली पे बिग बिलियन डे सेल या बहुत सारे सेल लगते हैं अमेजन पे भी, आप वहाँ से 13 या 14 खरीद लीजिएगा, जो कि आपको 10,000 लगभग सस्ते में ही मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको टाइप सी जरूरी चाहिए और डायनामिक आइलैंड आपके लिए मायने रखता है लुक्स वाइज, तो आप 15 के लिए जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।